वेलकम फ्रेंड्स, मिशन 3650 में आपका स्वागत है। आज हमने प्लूरल नाउन का एक चैप्टर बनाया है, एक टॉपिक लिया है, जिसमें हमने उन वर्ड्स को लिया है जो कि आप लोगों को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने में काफी परेशानी आती है। आइए देखते हैं। सिंगुलर हमने हर जगह ऐसा लिखा देखा है, मिस्टर का एम आर और फिर डॉट, इसको हम मिस्टर कहते हैं हिंदी में श्रीमान। इसकी प्लूरल फॉर्म होती है मेसर्स, या आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसको मिस्टर्स भी कहते हैं। ऐसे ही एम आर एस यानी मिस्ट्रेस, इसका हिंदी में अर्थ श्रीमती होता है और इसकी प्लूरल फॉर्म मैसडम्स होती है। आइए देखते हैं इसका जो ओरिजिन है, जो उद्भव है, वो फ्रेंच शब्द मदाम से हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में मैडम भी कहते हैं। माँ यानी माय और डैम यानी लेडी यानी माय लेडी। इस प्रकार जो एम एम ई है यानी कि मैडम का जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म भी मैसडम्स होगा, जिसको हम शॉर्ट में एम एम ई एस और डॉट लिखेंगे। इसी प्रकार मिसेज या मिस्ट्रेस का जो प्लूरल फॉर्म होगा शॉर्ट में, वो भी एम एम ई एस ही होगा, यानी कि मैसडम्स होगा। ऐसे मिस को हम सुश्री जो कुंवारी होती है उसको मिस कहते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म मिसेज होगा। इसी प्रकार मिस्टर स्मिथ का प्लूरल फॉर्म द मेसर्स स्मिथ होगा और मिसेज स्मिथ का प्लूरल फॉर्म द मिसेज स्मिथ्स होगा। यहाँ पर हमने स्मिथ के एस लगा दिया। फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको मिशन 3650 के माध्यम से पहुँचाइए। आशा है आपको इसका जरूर लाभ मिलेगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।